न्यूज बायस्कोप में आप सबों का स्वागत है। हम बात करेंगे बिहार के एक रंगदारी बतिया रहे सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी की। सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी नाम उनका राहुल कुमार, जब वो दीदारगंज टोल प्लाजा पर पहुंचे तो टोल नहीं देने की जिद पर अड़ गए। टोल के कर्मचारियों ने भी उन्हें तमाम नियम कानून समझाया और टोल देने को कहा, तो वो लगातार वहां रंगदारी बतियाते दिखाई देने लगे और उन्होंने 40 मिनटों तक टोल प्लाजा के गेट को जाम करके रख दिया। मीडिया जब वहां पहुंची तो उन्होंने क्या कुछ कहा, मीडिया से किस तरह से उन्होंने बिहेव किया, आप देख सकते हैं और सुन सकते हैं उनके बयान को। धंधा करते हैं आप लोग, आपका शुभ नाम क्या है? आपका नाम क्या है? पहले मीडिया आप अपना, मेरे पास आई कार्ड लटका हुआ, आप देख लीजिए। क्यों नहीं लेंगे हम जानकारी, लीजिए मीडिया। हाँ, स्क्रीन पे किस तरह से इनकी लगभग आधे घंटों 40 मिनट तक वहां पर टोल प्लाजा के गेट पर टोल नहीं देने को लेकर किचकिच होती रही टोल प्लाजा के कर्मचारियों के साथ। अंततः ये जिद पे अड़ गए कि ये टोल प्लाजा में टैक्स नहीं चुकाएंगे। जब मीडिया वहां पहुंची तो मीडिया से भी बदतमीजी करने लगे। वही मामला बढ़ता देखकर बिना टोल प्लाजा क्रॉस किए ये वापस उल्टे पांव वहां से निकल लिए। आप देख सकते हैं, एक बार फिर से हम आपको सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। आप लोग तो बिकाऊ है जो पैसा लेकर काम करते हैं आप लोग। आप स्टेटमेंट दीजिए ना सर, आप अपना पक्ष कर बिकाऊ मीडिया है आप। ठीक है, सब मिली भगत है आप लोग का, पैसा लो, धंधा करते हैं आप लोग। आपका शुभ नाम क्या है? आपका नाम क्या है? पहले मीडिया आप अपना, मेरे पास आई कार्ड लटका हुआ, आप देख लीजिए। मेरा अधिकार है जानकारी लेना, क्यों नहीं लेंगे हम जानकारी, लीजिए मीडिया। आज टोल प्लाजा पे एक गाड़ी है BR01FG7389, उस पर बोर्ड लगा हुआ था सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, तो उन्होंने टोल देने से डिनाई किया कि मैं टोल नहीं दूंगा। तो टोल कर्मी जो है उन्होंने टोल की मांग की और उनके बोला उनकी गाड़ी पे फास्टैग नहीं लगा हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू भारत सरकार के नियम के अनुसार जो फास्टैग नहीं लगी हुई गाड़ियाँ हैं उनको दुगना टोल पे करना है। तो उन्होंने साफ शब्द मना किया, उनको बकायदा नियम की कॉपी भी दिखाई गई, तब भी वो नहीं माने। लगभग 40 मिनट के आसपास उन्होंने टोल की लेन, एक नंबर लेन को उन्होंने डिस्टर्ब किया, नहीं वो वापस लौट गए, टोल नहीं दिए। कुछ देर गाड़ी थोड़ी पीछे की, पीछे करने के बाद लेन डिस्टर्ब रहा, फिर हम लोगों ने लेन बंद करके दूसरे लेन से गाड़ियों को निकालना शुरू किया, फिर अंत में हमारे लोगों के साथ बदतमीजी की, फिर वापस लौट गए।